बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नईम मस्कर निज़ामी, निज़ामी हर्बल्स की तरफ से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। जो भी मेरे दोस्त रब्ता करते हैं वो ज़्यादातर वो यही पूछते हैं कि मर्दाना टाइमिंग की कमी है, इसका कोई नुस्खा बता दें, या फिर नफ्स में सख्ती नहीं, नफ्स ढीलापन आ गया नफ्स में, चाहे वह शायशुदा है चाहे गैर शायशुदा है। काफ़ी दोस्तों ने रब्ता किया तो पूछा यही सवाल ज़्यादा कि टाइमिंग हमारी नहीं रही, बहुत कम है टाइमिंग। टाइम को बढ़ाने के लिए कोई नुस्खा बताएं, साथ ही कोई ताकत का नुस्खा ऐसा बताएं जिससे हमारी मर्दाना ताकत भी बढ़े और नफ्स में सख्ती भी आए। आज मैं ऐसा ही नुस्खा लेकर हाजिर हूँ जिससे मर्दाना ताकत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, नफ्स में भी सख्ती आती है और साथ ही टाइम बहुत बढ़ जाती है। उसका नाम ही मैंने देसी व्याग्रा रखा है क्योंकि ये नुस्खा व्याग्रा से भी ज़्यादा काम करता है, इसका रिज़ल्ट बेहतरीन है। नफ्स में इतनी सख्ती आ जाती है कि आप खुद हैरान होंगे, जब वो भी दोस्त ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे उनकी मर्दाना टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, साथ ही नफ्स में फुल सख्ती होगी। और ये आर्जी नुस्खा नहीं, कुछ दोस्त कहते हैं कि हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और हमें वक्त ही फ़ायदा होता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद पुरानी रूटीन फिर लौट आती है, जब भी हम दवा खाना छोड़ें हमारा मसला हमारी टाइमिंग हमारी नफ्स की जो सख्ती है वो वापस उसी मकाम पर पहुंच जाती है जब हमने दवा शुरू की थी, उसी मकाम पर पहुंच जाती है। यानी हमारी टाइमिंग भी वापस कम हो जाती है और नफ्स भी ढीलापन आ जाता है नफ्स में भी। ये नुस्खा अगर आप यूज़ करेंगे इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके नफ्स में सख्ती भी आएगी और साथ ही टाइमिंग बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और ये नुस्खा कम अज़ कम आपने 15 दिन इस्तेमाल करना है, चाहे आप शायशुदा हैं चाहे गैर शायशुदा हैं, दोनों के लिए मुफीद है। इससे मवाद भी गाढ़ा करता है, ये अगर जरियान की शिकायत है वो मसला जरियान का मसला भी इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा। अब हम बताते हैं आपको नुस्खा और तरतीब भी कि किस तरह आपने बनाना है वो इस्तेमाल करना है। नुस्खे में टोटल चीज़ें हैं 4। एक आपने लेना है अकरकरा 20 ग्राम, सालम मिश्री 20 ग्राम, मूसली सफ़ेद 20 ग्राम, अजवैन खरासानी 10 ग्राम। इन चारों चीज़ों को बारीक पीस लें और इसमें 100 ग्राम शामिल कर दें मिश्री और अच्छी तरह पाउडर बनाकर रख लें। नीम गर्म दूध के साथ खाना खाने से तकरीबन 1 घंटे बाद 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें, इससे आपका कमज़ोरी का मसला और साथ ही मर्दाना टाइमिंग की कमी का मसला ठीक हो जाएगा। और जो अफराद वक्ती इस्तेमाल करना चाहते हैं, वक्ती फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं इमसाक के लिए, तो वक्त जमा से तकरीबन हम बिस्तरी से तकरीबन 1-2 घंटा पहले 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें, इससे वक्ती भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर आप रेगुलर 15 दिन यूज़ करेंगे तो कभी आपको कोई टाइमिंग की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नफ्स को सख्त करने और मर्दाना ताकत के लिए कोई दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15 दिन लाजमी यूज़ करें, बेहतरीन फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और जिन अफराद ने अभी तक लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर लें। अब मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ, बस सर।